देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। राजधानी के जयपुर दिल्ली हाईवे पर दौलतपुरा टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां मरीज को दिल्ली दिखाने ले जा रहे कार चालक को टोल कर्मियों ने इमरजेंसी लाइन में नहीं निकलने दिया, जिसके चलते कार में मरीज घंटों तड़पता रहा। और इस जानकारी के अनुसार हरमाड़ा के वार्ड नंबर 3 का निवासी पार्षद सुनील सैनी अपने बीमार दादा को दिल्ली अस्पताल में दिखाने के लिए लेके जा रहा था। जब वो टोल पर इमरजेंसी गेट से निकलने लगा तो टोल कर्मियों ने रोक लिया और मारपीट करने लगे, जिसके चलते टोल पर हंगामा खड़ा हो गया। इस मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। विवाद की सूचना पर चोमो विधायक रामलाल शर्मा और SAP महावीर प्रसाद भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान विधायक रामलाल शर्मा ने आरोपी टोल कर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है। और मैं जब मेरे पिताजी उतर गए तो उनके बाद दिवाली कर ली। तो वैसे आपको बता दूं कि अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए फ्री होता है, आपने कहा नहीं था? मैंने कहा था, तो मैं इमरजेंसी में सब कुछ फ्री होता है, कार्ड की जरूरत नहीं हुई, कोई इमरजेंसी नहीं इमरजेंसी के लिए।